सड़क नाली निर्माण में अड़ंगा, घरों में घुस रहा बारिश का गंदा पानी। नगर परिषद लांजी के वार्ड नंबर 6 का मामला। लांजी वार्ड वासियों के आपसी के विवाद के कारण बंद पड़ा सड़क व नाली निर्माण कार्य निकासी नहीं होने से वार्ड में जलभराव की स्थिति और राहगीरों के साथ ही घरों में गंदा पानी प्रवेश करने की परेशानी। यह स्थिति नगर परिषद लांजी के वार्ड नंबर 6 मरार मोहल्ला पुराने राम मंदिर के पीछे बनी हुई है। यह निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण गत दिवस हुई बारिश से जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। बारिश का गंदा पानी वार्ड वासियों के घरों में ही प्रवेश कर रहा है। वहीं मौके से आवागमन करने वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी ने शीघ्र ही निकासी की व्यवस्था बनाकर समस्या से निजात दिलाने जाने की मांग की है। यह है पूरा मामला। स्थानीय निवासी मनीषा वैष्णो ने बताया कि उनके वार्ड में नगर परिषद सड़क और नाली का निर्माण कार्य करवा रही है, लेकिन उनके द्वारा सुधीर चौहान के घर तक निर्माण कार्य को अधूरे में ही बंद करवा दिया गया है। ऐसे हाल में ही हुई बारिश से उनके घर के सामने बड़ी मात्रा में बारिश का पानी एकत्रित हो गया है। नाली नहीं होने के कारण बारिश के पानी की निकासी भी नहीं हो पा रही है। श्रीमती मनीषा ने बताया कि वार्ड के ही सुधीर चौहान, जिन्होंने आबादी की भूमि पर घर बनाया है, वे निर्माण कार्य को नहीं होने दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से कार्य बंद है। नगर परिषद के जिम्मेदार और पार्षद भी इस मामले में स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं। आपसी विवाद में रुका निर्माण कार्य। इस मामले में वार्ड पार्षद तेजस्वरी का कहना है कि वार्ड वासियों के आपसी विवाद के कारण ही निर्माण कार्य रुका है। वार्ड वासी सुधीर चौहान का कहना है कि पहले वैष्णो के घर की दीवार तोड़कर वहां से आगे निर्माण कार्य करवाने की बात कह रहे हैं, जिन्होंने निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। वहीं वैष्णो बिना किसी की दीवार तोड़े सड़क और नाली निर्माण कार्य करवा कर पानी निकासी की व्यवस्था बनाने की मांग कर रहे हैं। इस तरह के विवाद से सरकारी कार्य रुका है, इसका खामियाजा सभी को परेशान होकर भुगतना पड़ रहा है। पार्षद के अनुसार सरकारी कार्य को कोई नहीं रुकवा सकता है। वे शीघ्र ही इस मामले में अधिकारियों से चर्चा कर निर्माण कार्य को पूरा करवाएंगे। क्या है आप? मैं वार्ड नंबर 6 की पार्षद हूँ। अच्छा, जैसे कि आपके वार्ड में यहाँ जल भराव की स्थिति आ गई अभी बारिश होने से, तो क्या कारण है? यही एक विरोध के कारण, मतलब नाली का काम रुक चुका है। कहाँ से? पीताम्बर के मकान से लेके सुधीर के मकान तक। क्यों रुका हुआ है? अब ये उनका आपसी वो बोल रहे हैं कि यहाँ से पहले दीवार तोड़वा, उसके बाद ही नाली। किसकी दीवार तोड़वाने बोल रहे? पीताम्बर। कौन बोल रहा है सर? चौहान जी बोलते हैं। सुधीर चौहान। सुधीर चौहान जी। तो शासकीय कार्य को रोक सकते हैं क्या? शासकीय कार्य को कोई नहीं रोक सकता, जो तो, कि ये सरकारी जमीन है, इसमें तो नाली बनेगी। तो जैसे आप वार्ड के पार्षद हैं, तो आप क्या चाहते हैं? मैं भी चाहती हूँ कि नाली बने, इसीलिए मैंने सर को लिखित में दिए थे। कौन से सर को? सीओमओ सर को। अच्छा। और मैंने आरआई पटवारी सीओमओ सर इन सभी लोगों को यहाँ पे बुलाई थी और नाप वगैरह कराए। हम भी चाहते हैं कि नाली बने। अच्छा। जहाँ तक कि रोड पास हुई है दोनों साइड में, तो दोनों साइड नाली बनना चाहिए। तो रोकने के लिए कौन व्यवधान उत्पन्न कर रहा है नाली? सुधीर चौहान। अच्छा, तो आप भी चाहते हैं कि नाली बने? हाँ, हम चाहते हैं। तो अभी जैसे अभी जल भराव है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए वही नाली अभी जैसा है अभी वहाँ तक के निकाल देंगे, पर पक्की नाली तो हम बनाएंगे। तो नाली निर्माण का कार्य हो रहा है, कब से हो रहा है ये? मतलब नगर परिषद की तरफ से हो रहा है, और ये जो ठेकेदार को काम दिया गया है, वो ठेकेदार ने जैसी जो वगैरह ला के खुदाई किया, तो ना मेरे को बताया, ना मेरे से संपर्क हुआ, ना कुछ नहीं। वो सिर्फ ला के खुदाई कर लिया, जो कि मेरे को जनता द्वारा पता चला कि तुम्हारे वार्ड में खुदाई चालू है। अच्छा, आप वार्ड पार्षद है, फिर भी आपको कार्य चालू है तो पता नहीं? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने जेसीपी ला के भी कार्य चालू किया तो मेरे को पता नहीं। कौन ठेकेदार था? रवि उपाध्याय। अच्छा। उसके बाद में मेरे को मेरे वार्ड वालों ने आके बताया कि जेसीपी से खुदाई हो रही है करके, पर उनका कोई भी मेरे को फोन नहीं आया। तो नगर परिषद से भी आपको जानकारी नहीं दी गई? नगर परिषद से जानकारी नहीं मिली। ठीक। मेरा नाम मनीषा पीताम्बर वैष्णव है, पुराना राम मंदिर वार्ड नंबर 6 की निवासी हूँ। जी, जैसे कि अभी पानी आया आपके घर के सामने, जल भराव है, तो क्या परेशानियाँ हो रही है आपको? सर, ये डबरा भरा है तो मेरे घर अंदर पानी घुस रहा है सर। तो अभी तो नाली का भी कार्य चालू था ना आपके? नाली का कार्य चालू था, तो नाली खुदवाना था पार्षद को खड़े होके सर।
लेकिन ये आगे वाला जो है वो सुधीर चौहान जो आबादी की भूमि रहता है वो पूरा रोक लगा दिया है और इन लोग सब डर के भाग गए। वो इतना तेज चिल्लाता है कि ये लोग सब डर जाते हैं। कौन है सुधीर चौहान? वो सरकारी कोई ऑफिस में बाबू साहब है और सर आबादी की भूमि में रहता है और सरकारी काम भी करने नहीं देता और सरकार को दखलअंदाजी कर रहा है, इसलिए उसके लिए क्या करना है वो सब आप ही जानिए। और हमको मार धाड़ करने की बहुत धमकी देता है, यदि मेरे घर के सामने से नाली खुदी तो परिवार सहित को जहर दे के मार डालूंगा बोलता है। और मेरे आदमी को बोलता है कि तू यदि मेरे हाथ पैर पड़ता तो मैं तेरे को यहाँ से नाली जाने देता। हम उसके घर भाग खाते कि ना हाथ पैर पड़ने जाएंगे। तो अभी क्या परेशानी हो रही है? अभी परेशानी हो रही सर, ये डब्बा भरा हुआ है, ये डबरा तो यहाँ मेरे घर अंदर प्रवेश कर रहा है। क्या चाहते हैं आप उसे? नाली तुरंत खुदवाई जाए अभी इसी वक्त, पार्षद खड़े होके। सर यहाँ पे मेरा भी काम नहीं है, किसी का काम नहीं है, पंचायत का काम है। रोड, नाली, नल, लाइट जो भी है सब पंचायत करना चाहिए।